प्रेगनेंसी में बच्चे का ग्रोथ होना है और बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रेगनेंसी में कम से कम 60 ग्राम से लगाकर थर्ड ट्रिमेस्टर तक 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। आपके भी डॉक्टर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए होंगे, लेकिन अगर आपको वो लिया नहीं जा रहा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, एवर्जन फील होता है, वॉमिटिंग आती है, तो क्या करें? ग्रोथ के लिए प्रोटीन खाना है तो कुछ घरेलू चीजें हम खाएंगे, उनका भी असर बहुत ही अमेजिंग है। आप खा सकते हैं मूंग का या चने का स्प्राउट्स, आप हार्ड बॉइल्ड एग्स या चिकन भी खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। डेली थोड़ा सा पनीर खा सकते हैं, पनीर को हमेशा कच्चा खाएं, काले मिर्च और नींबू नमक के साथ। दही जरूर खाएं अपने लंच में, चिकपीस काबुली चने को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। दालें, प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, दालें जरूर खाएं, अलग से दालों की अच्छी अच्छी डिशेज बनाकर खाएं, और डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इनसे भी आपके प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाएगी। स्टे हेल्दी, थैंक यू।